मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कुठौन पुलिस ने चोरी के माल सहित चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस उपाधीक्षक ने किया प्रकरण का खुलासा। उरई जरूर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में थाना कुठौन पुलिस ने चोरी के जेवरात असलहे सहित चार अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस उपाधीक्षक जलोन विजय आनंद ने पत्रकारों को बताया कि थाना अध्यक्ष कुठौन अरुण कुमार तिवारी ने अपने सहयोगी स्टाफ के साथ उप चोरों को पकड़कर एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, जिनसे चोरी के सामान के अलावा असलहे भी बरामद किए। साथ ही मुकदमा अपराध संख्या 62/2021 में वंचित अभियुक्त को भी गिरफ्तार किए जाने की बात सीओ जलोन ने कही। जलोन से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। आपकी कुठौन पुलिस को कुछ अहम सफलताएं हासिल हुई हैं, क्या आप मामला बताओ, क्या विधिक कार्रवाई है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में जनपद जलाउन की कुठौन पुलिस को दो अहम सफलताएं मिली हैं, जिसमें चोरी के मामले में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लगभग 3.5 लाख मूल्य का जेवरात और कुछ नकदी और एक अवैध तमंचा और एक चोरी की बाइक, गलत नंबर प्लेट वाली बाइक भी बरामद किया गया है। इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की बैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, और दूसरा एक और सफलता मिली है, एक जो है मोबाइल चोर जो है को पकड़ा गया है, जिसके पास से दो मोबाइल मिले हैं, उसको भी गिरफ्तार करके, और अवैध तमंचे भी उसके पास से मिला था, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा।